Good morning, students. Now we learn how to write M and cursive N. आज हम लोग सीखेंगे कर्सिव M लिखना और कर्सिव N लिखना. Okay? जब हम लोग M बनाते हैं, कैपिटल M बनाते हैं, तो वो हम लोग स्टैंडिंग लाइन में बनाते हैं. बट जब कर्सिव M बनाते हैं, वो हम लोग स्लैंटिंग लाइन बनाते हैं. स्लैंटिंग लाइन कर्सिव लाइन स्टैंडिंग लाइन से थोड़ी टेढ़ी होती है. ओके? क्योंकि थोड़ी टेढ़ी टेढ़ी लाइन है ना, और नीचे की तरफ कर्व होता है. चलिए आज हम लोग सीखते हैं एम बनाना. पहले एक डॉट देंगे और यहाँ से ऐसे कर्व करेंगे. देखिए मैम ने कर्व किया, उसके बाद स्लैंटिंग लाइन लिया. ओके? ऊपर रेड लाइन तक गया, उसके बाद हम लोग नीचे आए. ये देखिए मैम ने डाउन में दिया 3 लाइन्स के ब्लू लाइन्स में. कॉपी के सभी बच्चों की कॉपी में 3 लाइन्स होती है. सबसे ऊपर रेड लाइन, ब्लू लाइन, नेक्स्ट ब्लू लाइन. तो हम लोग कहाँ तक बनाएंगे? ब्लू लाइन तक. फिर हम लोग इसको ऊपर लेके जाएंगे. स्लैंटिंग लाइन ऊपर गई रेड लाइन तक, फिर नीचे आई स्लैंटिंग लाइन नीचे, और फिर ऐसे कर्व. ये तो मैम ने आपको सिखाया है, बट जब बनाते हैं तो हम लोग अपने पेंसिल का डॉट नहीं उठाते हैं. ओके? तो ये देखिए मैम ने बिना डॉट उठाए एम बनाना आप लोगों को सिखाया. इस तरह से हम लोग डायरेक्ट बिना पेंसिल का पॉइंट उठाए इस तरह से ऐसे बनाएंगे. ये देखिए यहाँ डॉट दिए, यहाँ से ऐसे कर्व किए, ऊपर नीचे ऊपर नीचे एम कर्व. ये देखिए बन गया हमारा एम. अब हम लोग एन बनाना सीखते हैं. ये देखिए हम लोग एन बनाने के लिए क्या करेंगे, उसी तरह से जैसे हम लोगों ने एम बनाया था वैसे ही एन बनाएंगे. हाफ कर्व, देन ये स्लैंटिंग लाइन ऊपर नीचे फिर ऊपर और ऐसे कर्व. ओके? तो चलिए हम लोग बिना पेंसिल का डॉट उठाए एन बनाते हैं. यहाँ एक डॉट दिए, ये ऐसे कर्व किए, ऊपर नीचे ऊपर देन कर्व. क्या बना? एन. आज हम लोगों ने एन और एम बनाना सीखा है. ये देखिए कर्व, स्लैंटिंग लाइन, डाउन स्लैंटिंग लाइन, अप स्लैंटिंग लाइन, देन कर्व. ओके? ये बुक आप लोगों के पास नहीं है, ये बुक स्कूल को मैम ने स्कूल प्रोवाइड किया है मैम के लिए. आपको इसको कॉपी में 3 लाइन्स की कॉपी में, इंग्लिश की कॉपी में बनाना है, और सभी बच्चों के कॉपी में ये बना होना चाहिए. ओके? नेक्स्ट क्लास में जब भी आऊँगी तो आप लोगों का ये कॉपी चेक करूँगी, तभी मैं आगे ओ और पी कर्सिव राइटिंग सिखाऊँगी. तब तक के लिए बच्चों, बाय.